वेलकम टू राजन आईटीआई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आप लोग जो कॉलेज चॉइस कर रहे हैं तो आपको कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए जिससे आपको कॉलेज मिल सके और एडमिशन हो सके। दूसरा ये जानेंगे कि कॉलेज जो दिया जाता है वो किस हिसाब से दिए जाते हैं, ये भी इसमें थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि कॉलेज जो अलॉट किए जाते हैं वो किस आधार पे कॉलेज को अलॉट किया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके मार्क्स भी 62 है और आपके फ्रेंड के भी 62 मार्क्स हैं। आपने भी कॉलेज चुना और उसी कॉलेज को आपका फ्रेंड भी चुना, लेकिन आपके फ्रेंड को मिल गए लेकिन आपको नहीं मिले, तो ये सब कुछ लोग के कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में हम ये बात करेंगे। देखिये कॉलेज जो अलॉट किए जाएंगे सीआईटीएस की एनएसटीआई जो कॉलेज और आईटीओटी जो भी कॉलेज है, एनएसटीआई मेन रूप से देखा जाए तो एनएसटीआई की अगर बात की जाए तो कॉलेज जो आपके अलॉट किए जाएंगे उसमें तीन पॉइंट हैं जो मेन रूप से आपके कॉलेज को दिवाने में मदद करते हैं। सबसे फर्स्ट ये कॉलेज में सीटें कितनी है, क्लियर है। सबसे पहला देखा यह जाता है कि कॉलेज में सीटें कितनी है। दूसरा कितने कैंडिडेट उस कॉलेज को लेना चाह रहे हैं, क्लियर है। तीसरा पॉइंट आपके कितने मार्क्स सीआईटीएस में आए हैं, यह है। चौथा पॉइंट है आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससीएसटी क्या है। इतने चीजें पे कॉलेज में जो एडमिशन होती है जो लिस्ट वो जारी करती है इतने चीजें पे डिपेंड करती है। सबसे पहले आपको देखना है कि आप जो कॉलेज चुन रहे हैं उस कॉलेज में सीटें कितनी है, दूसरा उसमें हॉस्टल है या नहीं, ये आपको देखना है। आपकी कैटेगरी उसमें क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें पे कॉलेज एनएसटीआई कॉलेज जो अलॉट किए जाते हैं ये डिपेंड करते हैं, क्लियर है। तो आप सभी कॉलेज को चुने और कॉलेज के चुनते समय आपको एक चीजें और ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट चॉइस जो आप लेना चाहते हैं वो फर्स्ट चॉइस आप ध्यान पूर्वक चुने। अगर फर्स्ट चॉइस दूसरा अगर कोई कॉलेज है आपको चुना जाती है और अगर वो कॉलेज आपको मिल जाती है तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया जाएगा। ये डीजीटी के गाइडलाइन में मेंशन कर दी गई है कि अगर आपको कोई फर्स्ट कॉलेज मिलती है, जो फर्स्ट कॉलेज आप चॉइस करते हैं अगर आपको मिलती है तो उसमें फिर कोई भी चेंजिंग आपको नहीं किए जाएंगे, ना तो ट्रांसफर प्रोसेस में और ना ही ऐसे, ठीक है। अब हम बातें करते हैं कि कॉलेज जब आप चॉइस करेंगे तो ध्यान से थोड़ा चॉइस करें। देखो कई बार देखा यह गया है कि कॉलेज मान लो चॉइस साइबर कैफे से करवा लिया, किसी के पास लैपटॉप वगैरह है खुद चॉइस कर लिए, लेकिन बाद में क्या होता है जब उसके लिंक बंद होने वाली रहती है कॉलेज चॉइस की जो पर्टिकुलर एक टाइम रहेगी वो टाइम जब समाप्त होने वाली रहती है तो लास्ट में क्या करता है कुछ लोग मोबाइल से चेक करते रहता है। अच्छा एक नंबर में हमको तो कानपुर लेना है तो एक नंबर कानपुर दिखा रहा है मान लो रैंक 50, तब कहेगा कि अच्छा लास्ट है तब देखते हैं कि नोएडा में कितना है, और नोएडा सेलेक्ट करता है वो फर्स्ट चॉइस चला जाता है नोएडा में, उसको पता नहीं चलता है तब तक वहां क्या होता है स्क्रीन जब तक क्या होता है टाइम आउट होती है और वहां जो है रिकॉर्ड को सेव कर लिया जाता है। तो इसके लिए कई बार देखा गया है कि ऐसा गलती करने से उनकी जो पहला च्वाइस है लेने वाली थी वो च्वाइस नहीं मिल पाती है और कोई दूसरा च्वाइस मिलता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि या तो उनको कॉलेज वो छोड़ना पड़ जाता है या तो लाचार में लास्ट में वही कॉलेज में सेटेस करना पड़ता है। इसीलिए कॉलेज को चुनते समय आप ये चीज ध्यान रखें जो कॉलेज आप लेना चाहते हैं वो कॉलेज आप ले सकते हैं, क्योंकि सेटेस की बात की जाए तो ट्रांसफर प्रोसेस भी इसमें है, ट्रांसफर करने का भी मौका आप सभी को मिलेगा। सेटेस से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।